यहाँ पे रखते हैं, झाड़ियों से आते हैं सांप यहाँ पे भाव पे, किसी को कुछ तकलीफ देते नहीं, अपना दूध पीते और चले जाते। अच्छा, ये सांप किन रास्तों से आते होंगे? ये पहाड़ियों के रास्ते से आते हैं, कोई भी रास्ते से आते आते अपना चले जाते, किसी को तकलीफ नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसी मजार शरीफ की ज़ियारत कराने वाले हैं जहाँ बड़े सांप सलामी देने के लिए आते। अभी आपको पूरा लाइव यहाँ का नज़ारा बताएंगे और सांप कहाँ से आते और सांपों के लिए दूध कहाँ पे रखा जाता वो जगह भी आपको बताने वाले। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कई ज़्यादा यहाँ पर मन्नत के धागे और मन्नत के ताले यहाँ पर बंधे हुए हैं। मन्नत के जो ताले हैं वो भी यहाँ पर लॉक हुए हुए हैं। अभी आपको दिखाने वाले पूरा नज़ारा बताएंगे और आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो पूरी जानकारी अभी हम यहाँ के जो खादिम साहब हैं उन्होंने से लेंगे और उन्हों को ही बोलेंगे कि आप वो जगह भी बताइए जहाँ से सांप आते हैं और जहाँ पर सांपों को दूध दिया जाता है। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों, ये दरगाह शरीफ हजरत फकीर साहब बाबा की दरगाह शरीफ के नाम से जानी जाती है और ये मुंबई के मुमरा में स्थित है। आप कहीं से भी हो, आपको मुंबई के मुमरा में आना और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे मन्नत के धागे और मन्नत के ताले यहाँ पे बंधे हुए हैं। हर जगह आप चारों तरफ मन्नत के धागे देख सकते हो। तो दोस्तों, पहले आप ज़ियारत कर लीजिए हजरत फ़कीर साहब बाबा की और यहाँ देखिए किस प्रकार से पूरा नज़ारा है। दोस्तों, यहाँ के बारे में ऐसा बताया जाता है जब यहाँ पे उर्स होता है तो उर्स में जितने यहाँ पे मेहमान आते हैं सभी अपनी आंखों से देखते हैं कि कई ज़्यादा यहाँ पे सांप आते हैं सलामी देने के लिए। लाइव उस टाइम में सांप सलामी दे करके यहाँ से निकलते हैं, कई ज़्यादा यहाँ पे सांप आसपास घूमते रहते हैं। तो कई लोग जितने भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे फूल और चादर तो लाते हैं, साथ ही साथ दूध की थैली ज़रूर लेकर के आते हैं। जिन्हों को यहाँ के बारे में मालूम है कि सांप आते हैं तो उन्हों के लिए यहाँ पे दूध की थैली लाई जाती है और दूध उनको सांपों को पिलाया जाता है। अभी जो यहाँ के खादिम साहब हैं उन्होंने से हम बात करते हैं और वो जगह भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर सांप आते हैं और दूध पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हूर इस्माइल फ़कीर है। मैं हज़रत सैयद फ़कीर शाह बाबा की 30 साल से खिदमत करता हूँ और हज़रत बाबा की करामत ये है कि यहाँ पे सांप आते हैं। पूरे मुमरा सबको मालूम है कि यहाँ पे मुमरा में सांप आते हैं हज़रत सैयद फ़कीर शाह बाबा पे। उर्स में ज़्यादा आते हैं और ऐसी आम वक्त पे कम आते हैं। लोग दूध भी ला के देते हैं, दूध रखते हैं, दूध पीते हैं। और हज़रत की खड़ी मशीन थी यहाँ पर जहाँ बम फोड़ते थे। रोज़ारी सेठ था, उनका इंतकाल हो गया तो रोज़ारी सेठ को कुछ बशारत हुई तो उसने बम फोड़ना भी बंद कर दिया और आप हज़रत सैयद फ़कीर शाह बाबा की यहाँ पर मज़ार शरीफ तामीर की है। अच्छा, कौन से महीने में बाबा को उर्स लगता है? शाबान महीने में 26-27 तारीख को। अच्छा, लोगों को अगर यहाँ मजार शरीफ पे आना है हाँ, तो उनको किन रास्ते से आना पड़ेगा? मुंबई से आते हैं तो? मुंबई से ठाणा आ जाया करे, ठाणा से मुमरा है कलवा मुमरा और मुमरा से खड़ी मशीन फ़कीर शाह बाबा दरगाह बोलेंगे तो आपको कोई भी ला के छोड़ देगा रिक्शा वाला। अच्छा, जो आवाम अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है जिन्हें सैयद फ़कीर साहब बाबा के बारे में जानकारी नहीं है जी जी और जिन्होंने जियारत नहीं की है जी, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि बुजुर्गाने दीन की तो करामतें रहती है बन फ़कीर शाह बाबा की कुछ अलग ही करामत है। मैं भी इनका दीवाना हुआ हूँ, आज 35 साल से इनकी खिदमत 30 साल से कर रहा हूँ और मैंने भी बहुत इनकी करामतें देखा हूँ। तो मेरे भी सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी आके ज़ाहिर बाबा को आके ज़ियारत कीजिए। बाबा की दिखाता हूँ कहाँ दूध देते हैं लोग, हम लोग सांप को पिलाते आज। ये वो जगह है, पे रखते हैं, झाड़ियों से आते हैं सांप यहाँ पे बाबा पे, किसी को कुछ तकलीफ देते नहीं, अपना दूध पीते और चले जाते। अच्छा, ये सांप किन रास्तों से आते होंगे? ये पहाड़ियों के रास्ते से आते हैं, कोई भी रास्ते से आते आते अपना चले जाते, किसी को तकलीफ नहीं देते। अच्छा, ये दूध की थैलियाँ दिखाई पड़ रही हैं? जी हाँ, दूध की थैलियाँ है। ये दूध भी सांप के अलावा और भी कोई और कुछ है? छोटे मोटे जानवर है वो आते हैं, बिच्छू है, वो सब है यहाँ पे, पन किसी को तकलीफ नहीं देते। बड़े बड़े बिच्छू है।